नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। स्वागत है आपका हमारे खास शो आज के इतिहास में। इतिहास के गर्त में ऐसे ऐसे राज दफन है कि अगर शायद आप जानने पर आ जाएं तो ये जिंदगी कम पड़ जाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ विशेष चीजों की जानकारी आप तक पहुंच सके, क्योंकि आपको भी पता चलनी चाहिए कि इतिहास अपने साथ किन राजों को समेटे हुए। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज के ही दिन फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले एक्टर ओम पुरी का जन्मदिन होता है। ओम पुरी का जन्म 18 अक्टूबर 1950 में हरियाणा के अंबाला शहर में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। ओम पुरी के पिता भारतीय सेना में थे। अमरीश पुरी और मदन पुरी उनके चचेरे भाई थे। ओम पुरी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने ननिहाल पंजाब के पटियाला से पूरी की थी। पाकिस्तान की तेज तर्रार नेत्री और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो आज के ही दिन अपने वतन यानी पाकिस्तान वापस लौटी थी। बेनजीर भुट्टो ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया था और वो संयुक्त अरब अमीरात में जाकर रहने लगी थी। जांच में निर्दोष पाए जाने के बाद वो 18 अक्टूबर 2007 में पाकिस्तान लौटी। हालांकि कुछ दिन बाद यानी 27 दिसंबर 2007 को एक चुनाव रैली के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। 1386 में आज के दिन जर्मनी के सबसे पुराने विश्वविद्यालय हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। पुरानी सम्मानजनक और मशहूर दुनिया में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी जितनी मशहूर कोई दूसरी जर्मन यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका एक कारण यहां होने वाले उच्च स्तरीय शोध भी हैं, जिसमें मानव जीवन के गंभीर सवालों के जवाब ढूंढे जाते हैं।